मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 2। आज के वीडियो में हम लेट्स डू होमवर्क पेज नंबर 94 में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन 1, रन्स मेड बाय द क्रिकेटर्स आर गिवन इन बिलो। फ्रॉम दिस राइट हाउ मेनी रन्स आर मेड बाय टेकिंग, जो स्क्वायर दिया हुआ है उसको 10 गिनेंगे और जो ट्राइंगल दिया हुआ उसको 1 गिनेंगे। ओके, जो स्क्वायर टाइप दिया हुआ है उसको हम 10 रन गिनेंगे और जो ट्राइंगल दिया उसको 1 रन गिनेंगे। ओके, फिर से मैं हेडिंग पढ़ती हूँ। क्वेश्चन 1, रन्स मेड बाय द क्रिकेटर्स आर गिवन इन बिलो। फ्रॉम दिस राइट हाउ मेनी रन्स आर मेड बाय टेकिंग स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड ट्राइंगल इक्वल टू 1। स्क्वायर टाइप जो दिया हुआ है उसको हम 10 रन्स गिनेंगे और ट्राइंगल को 1 गिनेंगे। यहाँ पर हम काउंट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कितने दिए, 1, 2, 3, तो 30 होगा, 10, 20 एंड 30, और कितने दिए ट्राइंगल, 2, तो इसको 1-1 गिनेंगे, तो 2, तो 32। रोहित कितने रन्स बना रहा है, 32। ओके, सेकेंड 1, 2, 3, 4, 4 दिए हुए 10-10 के, तो हम यहाँ लिखेंगे 40, और ट्राइंगल 1-1 के, 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया, 4, तो हमारे आंसर कितना आ गया, विराट कितना रन बना रहा है, 44 रन बना रहा है। ओके, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 रन है, 5 है स्क्वायर 10-10 के, तो 10, 20, 30, 40, 50 लिख दिया हमने, और ट्राइंगल कितना है, 1। ओके, ट्राइंगल कितना है, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पे सुरेश कितने रन बना रहा है, 51 रन बना रहा है। ओके, उसके बाद 10-10 के कितने हैं, 2, ए 1 और 2, तो 20, और कितने हैं ट्राइंगल, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 25 रन होते हैं, तो हार्दिक कितने बना रहा है, 25। इसी तरह से आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। रोहित कितने रन बना रहा है, 32 रन, विराट कितने बना रहा है, 44, सुरेश 51 और हार्दिक 21। ओके, क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम देखेंगे, हाउ मेनी रुपीस आर देयर काउंट एंड राइट। यहाँ पे हमको रुपीस कितना काउंट करके राइट करना है। ओके, हाउ मेनी रुपीस आर देयर एंड काउंट एंड राइट, यहाँ पे कितने रुपीस हमको काउंट करके राइट करना है। ओके, 10-10 की पहले हम नोट काउंट करेंगे, नोट्स कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, और फिर कॉइन्स काउंट करेंगे, तो 5 का 1 है, ओके, 5 का 1 है, 2 का 1 है, और 1 का 1 है, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 68 रुपीस है। ये कितना है, 68 रुपीस। ओके, सेकेंड के काउंट करेंगे कि पहले 10-10 के कितनी नोटें हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो गया, 50, और 5-5 के दो कौन है, तो 5 और 5, 6, 10, तो 60, और कॉइन काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 कॉइन है 1-1 के, और 1 कॉइन है 2 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 66 रुपीस। ओके, फिर से मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, यहाँ पे 10-10 के आपको नोट्स काउंट करने के हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 लिखा, 60, और हमको कॉइन काउंट करना है, तो 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है, और एक 1 रुपीज़ का, तो इसको काउंट करेंगे, तो 5, 2, 7 और 1, 8, तो कॉइन कितने, 8, तो हमारा आंसर कितना आया, 68। इसी तरह से ये आपको मैं काउंट करके बता रही हूँ, तो यहाँ पे 10-10 के कितनी नोट है, 1, 2, 3, 4, 5 नोट है 10-10 की। ओके, 10 की कितनी नोट है, 5, 50 हो गया, और 5 कॉइन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 कॉइन है 5-5 के, तो 10 हो गया, तो 60 हो गया। ओके, और हमारे पास कॉइन कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 66 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया हुआ है 62, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, 6 टेंस प्लस 2 वंस, 62 को कैसे लिखेंगे, 6 टेंस प्लस 2 वंस, और 59 को 5 टेंस प्लस 9 वंस, 46 तो 4 टेंस प्लस 6 वंस, 37 तो 3 टेंस प्लस 7 वंस, 25 तो 2 टेंस प्लस 5 वंस, इसको हमको क्या करना है, मैच करना है, क्या करना है, इसको मैच करना है, 62 है तो यहाँ पे हम मैच करेंगे पहले 6 टेंस प्लस 2 वंस में, फिर 46 को 4 टेंस प्लस 6 वंस में, 59 को 5 टेंस प्लस
नाइन वंस में, 37 को 3 टेंस प्लस 7 वंस में और 2 टेंस प्लस 5 वंस में। इसी तरह से हमारा मैचिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट भी बाजू में मैचिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 38 है, तो 30 प्लस 8 कितना होता है 38, तो हमको यहाँ पे मैच करेंगे 30 प्लस 8 38। ओके 63, तो 60 प्लस 3 कितना होता है 63, 60 प्लस 3 कितना होता है 63। 54, तो 50 प्लस 4 तो 54 होता है। ओके इसका काउंट प्लस कैसे करना है, इसको अलग करना है। 40, तो 40 प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, 40 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा 40। 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 आता है, 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21 आएगा। ओके इसी तरह से आपको ये मैचिंग कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि 38 कब आएगा, जब हम 30 में प्लस 8 करेंगे तब 30 आएगा, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, हमारा आंसर है। 63 कब आता है, 60 में 3 प्लस करेंगे तो 63 आएगा, तो इसको मैच करेंगे। 54 कब आता है, तो 50 प्लस 4 करेंगे तो 54 आता है। 40 प्लस 0 करेंगे तो 40 आता है और 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 आता है। ओके चिल्ड्रन, ये पेज आपको अपनी वर्क बुक में कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से समझ के आपको अपने आप करना है। मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया है, समझा के एक बार और रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वन में आपको क्या करना है, जहाँ पे बॉक्स स्क्वायर दिया है उसको 10 गिनना है और ट्राइंगल दिया है उसको 1 गिनना है, और उस तरह से हमको काउंट करके लिखना है कि कौन कितने रन बनाता है। रोहित कितने बना रहा है 32, विराट कितने बना रहा है 44, सूरज कितने बना रहा है 51 एंड हार्दिक कितने बना रहा है 25। ओके और यहाँ पे क्या करना है आपका, हाउ मेनी रुपीस आर देयर काउंट एंड राइट, यहाँ पे रुपीस कितने वो काउंट करके लिखना है। यहाँ पे 10 के 6 है, 1 2 3 4 5 6 लिखा, और कितने कॉइन से 8 5 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ पे 68 रुपीस आएगा। यहाँ पे 10 के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 5 के 2 है तो 10 हो गया, तो 60 रुपीस और 60 और 6 कॉइन एक्स्ट्रा है तो 66 रुपीस हो गया। ओके ये उसके बाद मैचिंग मैंने आपको बताया कि 62 को 6 टेंस प्लस 2 वन से मैचिंग करेंगे, 59 को 10 प्लस 9 से मैचिंग करेंगे, 46 को 4 टेंस प्लस 6 वन से मैचिंग करेंगे, 37 को 3 टेंस प्लस 7 वन से मैचिंग करेंगे, 25 को 2 टेंस प्लस 5 वन से मैचिंग करेंगे। ओके और इसको 38 है तो 30 प्लस 8 करेंगे तो 38 आएगा, 54 है तो 50 प्लस 4 करेंगे तो 54 आएगा, 40 प्लस 0 करेंगे तो 40 आएगा, 20 प्लस 1 आएगा तो 21 आएगा एंड 63 प्लस 3 करेंगे तो 63 आएगा। इसी तरह से हमारा पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी, इसके पीछे वाला पेज हमारा बाकी है, पर मैं आपको आज ये करवा रही हूँ। उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके पीछे वाला जो पेज हमारा बाकी रह गया वो मैं आपको करवाऊंगी। आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आपको अपनी वर्क बुक में कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, आपको अपनी वर्क बुक में अच्छी तरह से कंप्लीट करके अच्छी राइटिंग में हैंड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 मैं आपको बताऊंगी, और पीछे वाला हमारा एक पेज बाकी रह गया वो भी मैं आपको रिपीट करूंगी, ओके फिर से करवाऊंगी। पर आज की वीडियो में आपको इतना ही करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।